पार्टी जो हमसे टकराएगा, कहाँ चले भाई कहाँ चले, जेल से कहा है कि आज 12 तारीख को हम सब लोग हाईवे को जो है फ्री टोल पूरी करेंगे, तो हम लोग सब इकट्ठे होकर के यहाँ आए इसे टोल फ्री करने के लिए। अभी तो ये नहीं है कि अमेंडमेंट मान लेंगे, अभी नहीं है। तब तक चलेगा ये? ये तो अभी चलेगा प्रोग्राम, 26 जनवरी का जिक्र कर रहे थे। हाँ, 26 जनवरी तक का प्रोग्राम है किसान का, कि 26 जनवरी तक प्रोग्राम हमारा है अभी। पर 26 जनवरी आपको पता है ना, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो हम भी तो बड़ा ही दिन मनाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध दो सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पर कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाएंगे।